अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार कढ़ाई कीमा मसाला। तो इसके लिए चीज़ें जो आपको सबसे पहले चाहिए वो है ख़ास कीमे का कढ़ाई मसाला, जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, वीडियो में आपको लिंक दे दिया जाएगा। 1 किलो कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मटन का, उसमें आप डालते हैं 4 टेबल स्पून भरकर, या फिर कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक भी आप कर सकते हैं, पहले थोड़ा डाल लें और फिर ज़्यादा, लेकिन 1 किलो का साफ 4 टेबल स्पून है। उसके बाद आपको चाहिए दही, इसके लिए 1/2 कप योगर्ट है यहाँ पर, टमाटर यानी कि टमेटोज आपको चाहिए 4, अदरक ग्राइंड कर लें, अदरक और लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून भरकर, सॉल्ट आपको चाहिए यानी कि नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, फ्रेश अदरक आपको चाहिए अबाउट 1 इंच का टुकड़ा लीजिए और उसको बारीक काट लें, हरी मिर्चें आपको चाहिए 2 से 3 अदद, इसे भी आपने चॉप कर लेना है, थोड़ा सा बीच में एंड में हरा धनिया भी मैं डालूंगी। तेल में बनाएं कि मैं आपकी अपनी चॉइस है, सिंपल है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, तेल आप करेंगे गरम, उसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और आपने इसको यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पर फ्राई होने देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगी आपको वो दिखाते हैं। तो पहले इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें, 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद यही तरफ आपने ऐड करना है जो कि ग्राइंड किया हुआ टमाटर है। फ्लेम अभी भी आप हाई पर रहने देंगे, बेशक इसको कवर करने की, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ये उछलता है बीच में, तो ये कि इसको मिक्स कर लें, कवर करें और इतना कुक कर लें कि जो टमाटर का पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए और यहीं पर इसकी जो है बुनाई हो जाएगी। तो ये कि इसको अच्छे से पहले कुक कर लें। तो ये देखें यहाँ पर जो है तेल आ रहा है सरफेस पर, यहाँ पर ला कर के अब आपने ऐड करते हैं जो कि कीमा है, और कीमे को ऐड कर आपने इसके अंदर भूनना है इसको 10-15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम कर लें। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो ये देख लें तेल आ रहा है सरफेस पर, यहाँ पर लाकर के अब आपने ऐड करना है वो है होममेड कढ़ाई मसाला, गरम मसाला, नमक, फ्रेश अदरक डालेंगे, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, इसी तरह हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए, और बीच में जाएगी दही। ये तमाम चीज़ें डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को ले जाना है मीडियम पर रख लें और अच्छी तरह कीमे को यहाँ पर पकने दें इन मसालों के साथ और दही के साथ, ताकि जो है इक्वली इसका जायका आ जाए, और इतना पकाएंगे कि दोबारा जो दही का पानी वो भी खुश्क हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर। अगर आपको लगता है मसाला कम है आपके जायके के मुताबिक तो आप वो रेडीमेड और डाल सकते हैं, और अगर मिर्चें आपको कम लगती हैं तो आप लाल मिर्चें भी और डाल सकते हैं, लेकिन ये हिसाब इंशाल्लाह सही रहेगा। तो ये इसको कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली डन हो गया, यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे हरा धनिया, इसको मिक्स कर लें और फ्लेम हाई पर रखें और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह आप यहाँ पर इसको भून लेते हैं। इसी के से आप बनाते हैं कढ़ाई कीमा मसाला, ये बहुत मज़ेदार बनता है, इसे आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ या फिर नान, चॉइस आपकी अपनी है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और रिटर्न रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट जिसको cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइए, बताइए कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।